गाइज, अभी 2 3 दिन पहले हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें मैं तो नहीं बैठ पाई थी, लेकिन राहुल जी ने उस गेम को कंप्लीट खेला था। बट बाद में जब मैंने स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं फाइनल फैंटेसी 7 के डेमो की। तो गाइज, आज की वीडियो में करने वाले हैं इसका प्रीव्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, प्रीव्यू इसलिए क्योंकि हमने डेमो के बेसिस पर आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं एक तरह से, और जब गेम रिलीज हो जाएगी 10 अप्रैल को तो उसे पूरी खेलने के बाद आपके सामने रिव्यू तो लेकर आएंगे ही, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि क्या आपको ये गेम पर प्री ऑर्डर करानी चाहिए या फिजिकल डिस्क के लिए आपको पैसे अपने थोड़े से सेव करने चाहिए या नहीं। तो नोनी जी, स्क्वायर इनिक्स कंपनी है, डेवलपर और पब्लिशर है, और प्लेस्टेशन 4 पर एक्सक्लूसिव टाइटल है जी, है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैंने पहली प्रीवियस कोई भी फाइनल फैंटेसी गेम नहीं खेली थी और मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आई। मैंने उसका थोड़ा बहुत गेम प्ले पहले एक बार खेल कर देखा था, लेकिन मैं कभी उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। स्टेट ऑफ प्ले में कह रहे थे इसका 1 घंटे का डेमो दिया जाए। हाँ, तो वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि लगभग अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि 1 आवर का जो डेमो था मैं खेलने को दिया गया, और मैंने विदाउट एक्सपेक्टेशन इस डेमो को खेला, सिर्फ क्योंकि हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि सर नया डेमो आया और आपको एक बार लाइव स्ट्रीम में ट्राई करना चाहिए। तो मुझे उस दिन भी ये लगा था कि यार मैं थोड़ा बहुत डेमो खेल कर देख लूंगा, अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो इस गेम को बंद करके कोई दूसरी चालू कर लूंगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मुझे मतलब ऐसी नौबत नहीं आई और स्टार्टिंग से मेरा जो इंटरेस्ट है गेम प्ले में बनता चला गया। हाँ, मैंने देखा था स्ट्रीम, जो मेरे को भी खुद मजा आ रहा था देखने में, ऐसे फील आ रहा था कि मतलब गेम अच्छी है। हाँ, और सबसे अच्छी बात नोनी जी ये गेम की कि स्टार्टिंग का जो सिनेमेटिक होता है, तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे स्क्वायर इनिक्स की, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आपको बहुत अच्छे से प्रूफ किया है कि अगर वो सोनी कंपनी के साथ इन फ्यूचर अगर उनके लिए ही एक्सक्लूसिव टाइटल मतलब डेवलप करते हैं तो वो भी उनके स्टूडियो फैमिली में, सोनी स्टूडियो फैमिली में अगर वो ऐड होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि स्क्वायर बिल्कुल अगर हम स्क्वायर इनिक्स की प्रीवियस गेम से इस गेम को कंपेयर करें, हाँ, जैसे टॉम रेडर वगैरह, टॉम रेडर बिल्कुल, टॉम रेडर हो गई, जस्ट कॉज हो गई, और भी टाइटल उन्होंने बनाए हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि इस बार का जो सिनेमेटिक है पहले से बहुत ज्यादा उन्होंने इम्प्रेस बनाया, इम्प्रेसिव कर दिया उसे। तो सिनेमेटिक देखने से हमें लगता है कि इसका सीन हमें स्किप नहीं करना। जैसे अक्सर क्या होता है जब हम गेम प्ले के लिए गेम खेलते हैं और मेरे जैसा पर्सन स्टोरी पर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, गेम प्ले पे ज्यादा करता है, तो हम ये सोचते हैं यार अगर बार बार सिनेमेटिक आते हैं गेम में तो उसे स्किप कर दो, लेकिन यहाँ पर सिनेमेटिक ज्यादा है, मतलब गेम प्ले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सिनेमेटिक और गेम से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें स्किप करने का मन नहीं करता और हम उस स्टोरी से कनेक्ट करते हैं खुद को, उस कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे एक ये भी लगी कि यहाँ पर आपको एक ही प्रोटैगनिस्ट से खेलने को नहीं मिलता, जैसा हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसके पास बहुत लंबी अपनी सोर्ड होती है, अब मैं कैरेक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो उसके साथ दूसरा कैरेक्टर है बड़ा तगड़ा मतलब बॉस वाला, जैसे मुझे तो स्टार्टिंग में देखने में लगा ये एंटैगनिस्ट है, तो पर मुझे जब उसके साथ भी खेलने को दिया गया और वो भी डेमो वर्जन में, तो ये मेरे लिए मतलब एक सरप्राइजिंग वाली बात थी, और इससे मुझे लगता है कि ये गेम मतलब जब रिलीज होगी तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। बस प्रॉब्लम यही है कि जैसे प्लेस्टेशन 4 के अगर हम देखें तो अप्रैल में, मई में और जून में, अब गोस्टो सुशीमा के बाद कॉन्टिन्यूसली 3 महीने में 3 टाइटल एक्सक्लूसिव और वो भी AAA टाइटल रिलीज हो। तो ये गलत है कि डेथ स्ट्रैंडिंग के बाद पहले तो उन्होंने कोई एक्सक्लूसिव दिया नहीं, इतने टाइम का गैप दे दिया, फिर जब दे रहे हैं तो फिर छप्पर फाड़ के दे रहे हैं। हाँ, मतलब इन्हें मेरे हिसाब से 2 महीने का मिनिमम गैप रखना चाहिए था हर टाइटल में, पर चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी जो गेमर्स हैं जिन्हें ये सीरीज पसंद है तो उन्हें मुझे लगता है डेफिनेटली पसंद आएगी। गाइस, मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इसमें आपको प्लेयर जो है क्लाउड स्ट्राइव का कंट्रोल मिलता है, जो कि एक पहले शिंगरा सोल्जर हुआ करता था, बाद में वो एलवैंक इको टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसे शिंगरा कॉर्पोरेशन से फाइट करना है। एक्चुअल में शिंगरा कॉर्पोरेशन इस प्लैनेट की लाइफ को, प्लैनेट की लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक तरह से सेल्फ बेनिफिट के लिए, हाँ, यूज कर रहा है अपने बेनिफिट्स के लिए, तो इसे फाइट करना है। और ये आपको पता ही है कि गेमर्स की या फैंस की एक्सेसिव डिमांड की वजह से रीमेक वर्जन तैयार किया गया है राहुल जी। इसके अंदर फुल पॉलीगोनल ग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसके साथ ही प्री रेंडर्ड एनवायरमेंट्स जो पहले वाली गेम में ओरिजिनलिटी से प्रेजेंट किए थे, उसका अपोजिट, उसके ऑपोजिट एनवायरमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर राहुल जी ग्राफिक्स के मामले मुझे तो अच्छे लगे, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे नोनी जी मैंने बताया सिनेमेटिक वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं, और यहाँ पर कैरेक्टर पे भी हम देखते हैं तो डेप्थ में काम किया है, मतलब कोई भी कैरेक्टर, अगर साइड कैरेक्टर की भी मैं बात करूं या कोई भी कैरेक्टर हमारी जो गेम में है, जैसे यहाँ पर लड़की की मैं बारे में बताना चाहूंगा जहाँ से स्टार्टिंग होती है गेम की, उसको देखकर आप पसीना सीना कर रहे थे, अरे मतलब सच में मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से उसे डिजाइन किया गया है। उसमें लड़की को कैसे डिजाइन किया ना, उस कैरेक्टर पे कितना काम किया ना, वो इन्हें पक्का पता।
पूरा ऊपर से नीचे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ग्राफिक्स तो दोस्तों मतलब A1 है और आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज जरूर बता दूं कि अगर हम थोड़ा गेम प्ले की और ज्यादा डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी काउंटर बटन्स की बात है या आप अपने कंट्रोलर से जिस तरह से यूज करते हैं तो स्क्वायर एंड ट्राइंगल के साथ साथ यहाँ पर आपको एक एक्स बटन के में जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो यहाँ पर आपको कमांड दी जा रही है बहुत सारी, यानी कि आप एक्स बटन दबाओगे तो गेम क्या है स्लो मोड में चली जाएगी, एक स्लो मोशन में, और वहां पर आपको कोई कमांड प्रेस करनी है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अगर आप जो भी कमांड प्रेस करेंगे उस हिसाब से वो फिर अटैक करेगा उन पे। अच्छा, तो ये चीज मुझे भी थोड़ा समझने में टाइम लगा लेकिन मुझे बहुत मजा आया। मैं तो नोनी जी यही है कि मेरे हिसाब से ये गेम 8 से 9 नंबर की होनी चाहिए 10 में से। अच्छा इतनी बढ़िया है ये। हाँ, मतलब 8 नंबर तो डिजर्व करती है ये गेम। बाकी जब इसका पूरा गेम प्ले या पूरी मतलब जब गेम रिलीज हो जाएगी अप्रैल मंथ में तो हम इसे खेलेंगे और आप लोगों को पूरा रिव्यू देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक्यूरेट रेटिंग के लिए अप्रैल वाली लाइव स्ट्रीम भी देखना। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी गाइस अब तो हम जो हमारा लाइव स्ट्रीम का टाइम है वो थोड़ा चेंज हमने कर दिया आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर कि हम आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं कॉलेजेस जाते हैं तो आप लोगों को अब रात तक वेट नहीं करना पड़ेगा, तो हम 8 बजे के आसपास ये टाइम हमने रखा है कि आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाया करेगी और 10-11 बजे तक हम उसे पैकअप कर दिया करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।